जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। मनुख रोग है और ए रोग दो हिस्सों विच प्रगट होंदा है, तन दे तल ते रोग बन के मन दे तल ते सोग बन के। तो क्या जीवन भर रोग ते सोग विच जीवना ही मनुख दी प्रालब्ध है, मनुख दा भविष्य यही मनुख है। रोग विच जीवे, सोग विच जीवे, चिंतावां ते इतनी पीड़ा ने, इतना बोझ है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिता है, गिरंत गिर पतत पातालं जलंत दे दी बैसांतरे। कोई मनुख बहुत पहाड़ दी उच्ची चोटी तो गिर रहा है, हजारा फुट दी बुलंदी तो थले गिर रहा है। गिरंत गिर पतत पातालं जलंत दे दीप बैसांतरे। ज्वालामुखी अग विच गिर जाए और कोई जिंदा जल रहा है। बहंत अगा तोयंग तरंगं अथाह सागर दियां लहरां विच गोते खा रहा है, डुब रहा है। बड़ी बुलंदी तो गिर रहा है, ज्वालामुखी अग विच जल रहा है, डुब रहा होवे। इस नाल जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, बहंत अगा तोयंग तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जनमंत मरण। घरेलू चिंता, जगत दी चिंता, परिवार दी चिंता, आर्थिक चिंता, ये ऐसी है महाराज कहंदे जैसे कोई पहाड़ दी बुलंदी तो गिर रहा होवे, ज्वालामुखी अग विच जल रहा होवे, या फिर अथाह सागर दियां लहरां विच डुब रहा होवे। इंज कह रहो मनुख दा पतन हर वक्त हो रहा है, हर वक्त गिर रहा है। कहंदे ने यात्रा ते चढ़ाइयां विच आउंदी है, निवाण विच ते पतन है, गिरावट। पानी निवाण विच जा रहे इस वास्ते कहने आ गिर रहा है, गिर रहा है। जिंदगी निवाण दी तरफ जा रही है, यात्रा ते ओ होंदी है जब चढ़ाइयां दी होवे। जद कोई चढ़दा है, एक औ घट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। किसे हद तक मनुख दी जीवन शक्ति निवाण दी तरफ जावे काम बनदी है, जीवन शक्ति ऊंचाइयां दी तरफ जावे राम बनदी है। राम रस ते काम रस इंज कह लो बुलंदी ते निवाण है, निवाण है, निवाण है। इस पतन दी थोड़ी जिया देर लई ते लोड़ है, ताकि ख्याल आ जाए चढ़ाइया ते चढ़ना। जद शक्ति निवाण दी तरफ जांदी है, जानी चाहिए कुछ देर लई संतान नू जन्म देंदी है। जब यही शक्ति चढ़ाइया की तरफ जाती है तो भगवान नू जन्म देंदी है। मनुख है जो संतान नू भी जन्म देंदा है, भगवान नू भी जन्म दे सकदा है। संतान नू जन्म देने दे ते पशु भी समर्थ होए ने, कीड़े मकोड़े भी समर्थ होए ने। संतान नू जन्म देने दे करीबन करीबन सारे मनुख भी समर्थ हो जाते ने। जीवन ते उस दिन सफल होंदा है जब कोई भगवान नू जन्म देंदा है। और भगवान नू जन्म देना की होंदा है, वो स्वयं भगवान मई हो जाता है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछाने। हुण इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, अगर जीवन रोग है ते मन सोग है, तन रोग है, तो फिर की करिए। रोग विच जीवी है, सोग विच जीवी है, इस तो छुटकारा हो सकता है। बस धार्मिक ज्ञान
ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਫਰਾਇਡ ਜੈਸਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਲੋਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਲੋਭ ਇਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਕਾਮ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਬਹੁਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜੇ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜੇ ਤੜਪ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਲ ਟੋਲ ਕੇ, ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਧਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਪਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਧੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 60% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵਿਚ ਜੀਵਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਤੀਜਾ ਦੁੱਖ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਈ ਸਵਾਸਥ ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅਗਰ ਸਵਾਸਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਢਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਆਖਿਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਸਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਔਸਧੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਗ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਢੇਪਾ ਸਵੈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਭਜਲੇ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਬੁਢੇਪਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਚਲੀਏ ਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਤਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ? ਜਵਾਨ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਢਾ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਵਿਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਵਿਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ,
बड़ी मानसिक पीड़ा होती है। बुढ़ेपा खुद एक रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, नानक बद्धा घर तहां जिथे मिर्त न जन्म जरा। असी हुण अपना घर उथे बनाया है जिथे जमना कोई नहीं, मरना कोई नहीं, बुढ़ेपा कोई नहीं। जन्म है तो दुख है, जीवन है तो दुख है, और मरण है तो दुख है। तो प्रश्न खड़ा होंदा है, जीवन दे होंदे हो या जीवन तो छुटकारा किवें मिले, मौत दे होंदे हो या मौत तो किवें बची है, और जन्म हो गया है इनू भुलाइए किस तरह, किवें भुलाइए। इन्हां रोगां तो और में छुटकारा होवे, प्रथम चिंता तो किवें बची है। गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक श्लोक बड़ा कीम, जिन भोग समय अखंड पाठ साहब का जद या खुले पाठ का जद भोग पैंदा है, श्लोकां दी बाणी चलदी है। इस श्लोक दे आमदियां सारे ही बड़े उत्साह नाल उमंग नाल पढ़दे ने, चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ए मारग संसार को नानक थिर नहीं कोए। पर जिन्हां अर्थां विच जगत इस नूं पढ़दा है, ए अर्थ नहीं है। अज तक जिन्हां अर्थां विच इस नूं पढ़िया जा रहा है, ए अर्थ नहीं है। मनुख इस दे अर्थ करदा है, अनहोनी घटना घटे ते चिंता कर, भाव मौत हो गई है, अनहोनी हो गई है। कोई जवान जद बुढ़ा हो जांदा है, कहिंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। बीमारी चरम सीमा ते जद कोई पहुंच जांदी है तो कह देंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। घाटा पै गया, दिवालिया हो गया, कहिंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। उसदी कर जो अनहोनी आउंदी है। श्लोक दे ए अर्थ कीते जांदे ने, ए अर्थ नहीं ने। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, विश्राम नाल पढ़ना पवेगा। प्रथम ए देखना पेगा चिंता किस गल दी है। चिंता दे कारण दो ने, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिदा, ए मनुख दी चाहत है। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिदा, पड़ोसी नाल होया होवे पे मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिदा, पर अंदर चिंता बनी हुई है किधरे हो ना जाए, किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा, ऐसा होना ही चाहिदा है, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी तलब है, मेरी चाहत है, मेरी ख्वाहिश है, ऐसा होना ही चाहिदा है, पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, मता ना होवे। चिंता दे ए दो कारण ने, ऐसा नहीं होना चाहिदा, मैं नहीं चाहता, ऐसा होना ही चाहिदा है, मैं चाहना। पहले इस गल दे चिंता है किधरे हो ना जावे, जो मैं नहीं चाहता किधरे हो ना जावे, और जो मैं चाहना ऐसा ना होवे किधरे ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते, चिंता नु एक पासे रख, जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता नु परे सुट, जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा वह नहीं होंदा। अगर एक बुढ़ा आखे कि मैं मासूम बच्चे की तरह हो जावा, यह नहीं होंदा, यह नहीं होंदा। और एक जवान ए आखे कि मैं कदी बुढ़ा ना हुआ, ए नहीं होंदा, ए नहीं होंदा। एक बुढ़ा ए आखे मैं कदी नहीं मरा, ए नहीं होंदा, ए नहीं होंदा। जो होंदा है वो होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। जन्म हो गया होना सी, मरण हो गया होना सी, नफा हो गया होना सी, नुकसान हो गया होना सी, कबूल कर दिया ही। मनुख जन्म जीवन ते मरण दी पीड़ा तो बालातर हो जाता है, पर किवें होवे, इहदी साधना की कीती जाए, किस तरह कीती जाए। क्योंकि गल इतनी चल रही है, और धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं विश्व भर ने जिस आवाज नाल पुकारिया सी, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, तो रोग जन्म है, रोग जीवन है, रोग मरण है, किवें छुटकारा होवे। गुरु नानक किस ढंग नाल इलाज करदे सन,
ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਠਾ ਹੈ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋ ਬੋਝ ਇਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਵਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਲਈ ਅਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੁੱਲੀ ਤੋ ਤਨ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤਨ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਤਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖੋ ਜਾਏ ਤੋ ਮਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਿਰਤਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਦਨ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਮਧੁਰ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਰਸਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਦੀ ਵੀ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਵਿਸ਼, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ। ਭੂਤ ਕਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਮਾਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਵਿਸ਼ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਬੋਧ ਹੇਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਂ, ਕਿ ਸ਼ੌਕੇ ਯਾਦੇ ਤੋਂ ਆਵੁਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ? ਐਸਾ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਆਦਮ ਨਾ ਬੂਦੋ ਮਨ ਬੂਦਮ, ਹਵਾ ਨਾ ਬੂਦੋ ਮਨ ਬੂਦਮ, ਈ ਕਸ ਨਾ ਬੂਦੋ ਮਨ ਬੂਦਮ, ਮਨ ਆਸ਼ਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਮ। ਐ ਖੁਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਚੇਤਪਣੇ ਸੁਚੇਤਪਣੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਆਦਮ ਨਾ ਬੂਦੋ ਮਨ ਬੂਦਮ, ਹਵਾ ਨਾ ਬੂਦੋ ਮਨ ਬੂਦਮ, ਅਜੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈ ਸੀ। ਈ ਕਸ ਨਾ ਬੂਦੋ ਮਨ ਬੂਦਮ, ਮਨ ਆਸ਼ਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਮ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੂਤਕਾਲ ਭਵਿਸ਼। ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭੂਤਕਾਲ ਤੇ ਭਵਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਝਲਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਝਲਕ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਟਾ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਤੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੂਤਕਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਭਵਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੀਏ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਆ ਇੱਕਦਮੇ, ਮੌਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਇੱਕਦਮ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,
वर्तमान एक दम है जो मेरे मुंह च है, सारिया दे मुंह च है। जेड़ा दम अजे आया नहीं वो ते मेरा भविष्य है, ते जेड़ा दम चला गया मेरे मुंह चो वो ते भूतकाल है। जो दम चला गया इनू मैं खर्च नहीं कर सकता, जो दम अजे आया नहीं मैं उसनू वर्त नहीं सकता। एक दम तो इत्थे प्रश्न खड़ा हुंदा है, एक दम दे च की कर सकदे आ? एक दम दे च कोई लंबी यात्रा नहीं हो सकती, एक दम दे च कोई लंबा चौड़ा कारोबार नहीं खोलिया जा सकता, एक दम दे च कोई उच्चा वड्डा महल नहीं खड़ा किया जा सकता, एक दम दे च कोई लंबी चौड़ी विद्या नहीं हासिल की जा सकती। पर गुरु नानक कहिंदे ने एक दम दे च परमात्मा प्राप्त किया जा सकता, जद भी मिलेगा एक दम दे च, क्योंकि एक दम नकद है ते धर्म दा सौदा परमात्मा दा सौदा नकदी नाल आउंदा है, नकदी नाल आउंदा है। दुनिया दे सारे महामंत्र एक दम दे च पूरे हो जाते ने, राम एक दम दे च पूरा हो गया, ओम एक दम दे च पूरा हो गया, अल्लाहु एक दम दे च पूरा हो गया, वाहे गुरु एक दम दे च पूरा हो गया। करोड़ दफा वाहे गुरु आखण नाल एक पाप भी नहीं मिटेगा, करोड़ दफा वाहे गुरु आखण नाल एक दुख भी नहीं मिटेगा, एक दफा वाहेगुरु आखदिया करोड़ा पाप मिट जाणगे, एक दफा वाहेगुरु आखदिया करोड़ा दुख मिट जाणगे। यह ते फिर पहेली हो गई, नहीं पहेली नहीं। सारे महामंत्र एक दम दे च पूरे हो जांदे ने, वाहेगुरु इक्को ही दम दी लोड़ है। हुण मेरा सारा ध्यान इसे मंत्र दे सुनन दे च आ जाए, वाहेगुरु, और जैसे मैं एक दम विच आवांगा सारे दे सारे ध्यान नू ल्यावांगा, इसे नू ध्यान साधना कहंदे ने, तो भूतकाल खो जाएगा, भविष्य खो जाएगा, वर्तमान ने भगवान नू प्रगट कर देना है। श्री कबीर कहंदे ने, बेत कतेद इफ्तरा भाई दिल का फिक्र न जाए, टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदाए। एक दम विच टिक जाओ, खुदा हाजर नाजर है, परमात्मा हाजर नाजर है। धर्म दी सारी साधना है कि किसे तरीके नाल वर्तमान दिच आईए। बड़े बड़े दार्शनिक वर्तमान दिच नहीं जीवदे, भविष्य दी चिंतावां दिच जीवदे ने। बड़े बड़े सियाने मनुख वर्तमान दिच नहीं आउंदे, भूतकाल दी यादां च बैठे हुंदे। और एक दफा मनुख वर्तमान दिच आ जाए ते वर्तमान सिर्फ एक दम है, उस दे च आमदेया मनुख तन ते मन तो उच्चा उठ जांदा है। तन रोग है, मन सोग है, रोग सोग तो उच्चा उठ जांदा है। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने, उस हरि जन दे नेड़े फिर दुख रोग सोग जन्म मरण सब मिट जांदा है। नानक बद्दा घर तहां जिथे मिरत न जन्म जना। एक वर्तमान दे च आमदेया अगला जन्म नहीं होवेगा, मरण नहीं होवेगा। और ये जड़ा जीवन कोल है इस तो मनुख उच्चा उठ जाएगा और भगवान प्रगट हो जाएगा। यही एक साधना है और यही औषधि है, यही औषधि ईशान विच भ्रमण करके धन गुरु नानक देव जी महाराज वंडदे रहे, वंडदे रहे। बाबा फरीद भी कहंदे ने, आज मिलावा शेख फरीद ताकम कूंजनिया मनो मचिंदनिया। अज मिलावा ले तो अज तो मुराद की अज दा सारा दिन कतई नहीं, अज तो मुराद वर्तमान, वर्तमान तो मुराद एकदम, एकदम। भाई नंद लाल भी ऐसा कहंदे ने, यकदम बखेश राना बुरदम के कीसतम, ऐ वाए नकदे जिंदगी राएगा गुजस्त। मैं नकद जिंदगी बर्बाद की थी, ते नकद जिंदगी की सी जिड़ा मेरे मुंह दे च दम सी, नकद सी। जिड़ा दम आया नहीं उधारी सी, जिड़ा दम चला गया वो खर्च हो गया, वो तो खर्च हो गया। मेरी जिंदगी दी जेब दे सिर्फ इक्को ही दम है, इक्को ही दम है। नगदी मेरे कोल इक्को ही दम है, इक्को ही दम है हर एक कोल। पर बंदा कह देंदा है एक दम दी की जिंदगी है, नहीं, एक दम दे परमात्मा मिल सकता है, एक दम दे सारा जहान मिल सकता है, एक दम विच सारी लोकाई दी प्राप्ति हो सकती है, एक दम विच परम रस मिल सकता है।
पर मनुख इस एकदम नु किवें बतीत करदा है, इसे एकदम नु बतीत कर छड़दा है गुजरे हुए दमां दी याद विच, इसे एकदम नु बतीत कर छड़दा है आने वाले दमां दी चिंता च, और दम दम करके सारी जिंदगी रायगा चली जाती है, व्यर्थ चली जाती है। ऐ वाए नकदे जिंदगी रायगा गुयस्त। भाई साहब भाई गुरुदास जी कहते हैं वर्तमान विच वर्तदा होवन हार सोई परवाना। संसारी ते भगत दी पहचान के बस दो शब्दां विच पहचान, लिबास तो पहचान नहीं होवेगी भगत है संत है। सारी दुनिया दे धार्मिक लिबास अलग अलग ने, धार्मिक दिखाई दे जाना एक श्रृंगार है, धार्मिक हो जाना एक तपस्या है, मेहनत है, साधना है। किस तरह अंदाजा लगावांगे संसारी है ए भगत है। जो भूतकाल दियां यादां दे जी रहा है, भविष्य दियां चिंतावां दे जी रहा है संसारी है, पर जो वर्तमान दे टिक गया है भगत है। भगवान दा रूप है उते ईश्वर दा रूप है। वर्तमान दे टिकदे आ होवन हार सोई परवाना। जो हो गया है ये होना ही सी, होना ही है, अनहोनी नहीं है, अनहोनी नहीं है। ठीक है जवान जैसे बुढ़ा होने लगता है एकदम ख्याल आंदा है अनहोनी होगी, अनहोनी होगी। यही कारण है कि सारे जग दसते ने, अगर 60 साल है 50 दसते ने, 50 है 40 दसते ने, 40 है 30 दसते ने, और अक्सर स्त्रियां 30 तो अगे जांदियां ही नहीं, उत्थे ही रुक जांदियां, उत्थे ही रुक जांदियां। कारण बुढ़ेपा अनहोनी है। कौन दसे बुढ़ेपा ते होना है, अनहोनी नहीं है। मौत ते होनी है, अनहोनी नहीं। भगत कबीर कहते हैं पाड़ो सीखे जो हुआ तू अपने भी जान, समझ ले मेरी अर्थी उठी ते नहीं चुकया, शायद पड़ोसी ने अपने कंधियां ते मैनू चुकया है। इस तरह समझ तू अपने भी जान, ऐसा ओही जान सकदा है जो वर्तमान दिच आ गया। तो वर्तमान दिच टिकदियां होवन हार सोई परवाना। जन्म हो गया है कबूल, जीवन कोल है कबूल, मरण सानू कबूल, लेकिन मरदे दम तक मनुख नू सिर्फ जन्म कबूल है, मरण कबूल नहीं। इस वास्ते मरदे दम तक जन्म दिन मनांदा है, मरण दिन नू भुलाने दी कोशिश करदा है, और यही कारण है कि परम आनंद दी प्राप्ति तो वांझा रह जांदा है। रोग दिच जीवदा है, सोग दिच जीवदा है, जबकि वर्तमान दिच जीण वाला रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। धर्म दी ए महान साधना सारी दुनिया दी धन गुरु नानक देव जी महाराज करांदे रहे, दसते रहे, और लोगां नू रोग ते सोग तो कढ़दे रहे। इस वास्ते जिहड़े जिहड़े साधना करके वर्तमान दिच जीवे ते भगवान नू जिंदगी च प्रगट कीता, उन्हां सारियां दी जबान तो एक बोल निकलिया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा।